हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधुस किचन। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर की एक और नई रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी विंटर की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। देखिए, विंटर की सारी सब्जियां आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये रेसिपी जितनी टेस्टी है, साथ ही बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, आज की इस मज़ेदार रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ पालक की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिसके लिए मैंने, देखिए, यहाँ पे पालक लिया है, बैंगन लिया है, मटर लिया है, थोड़ी सी सीम ली है, सेम की फली जिसे आप लोग कहते हैं, मूली लिया है, गाजर लिया है, आलू लिया है, 7-8 लहसुन की कली को घिस के लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पचफोड़न लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी तेल को गर्म करेंगे। तो 2 टेबलस्पून के करीब तेल लिया है मैंने। तेल के गर्म होते ही देखिए मैंने इसमें पचफोड़न और लहसुन को डाल दिया। अब इसे हमें थोड़ी देर तक भून लेना है, 2-4 मिनट तक धीमी आंच पे भून ले। लहसुन और पचफोड़न के भूनने के बाद अब हम इसमें आलू और मूली को एक साथ ऐड कर देंगे। और आलू और मूली को लगातार चलाते हुए हमें 5 मिनट तक भून लेना है। तो 5 मिनट तक भुने, उसके बाद हम इसमें गाजर को ऐड कर देंगे। गाजर और जो सेम हमने लिया है ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चला के हमें थोड़ी देर तक भून लेना है। तो लो मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 10 मिनट तक भून लीजिएगा सब्जी को। अब हम क्या करेंगे, जो बैंगन रखा था उन्हें भी ऐड कर देंगे। साथ ही हमने जो मटर रखा है उसे भी ऐड कर देंगे। अब लगातार चलाते हुए इन्हें हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। अब देखिए, मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूंगी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब सब्जियों को थोड़ी देर तक हमें भूनना है, नमक को अच्छी तरह से मिला ले। इससे क्या होगा, सब्जी जो है अच्छी तरह से गल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी मैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अगर आप लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब सारे मसालों को हमें सारी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से चला के मिला लेना है। तो सब्जी को अच्छी तरह से चलाएं। अब हम पैन को कवर कर देंगे और कवर करके 5 से 10 मिनट तक धीमी आँच पर सब्जी को पकने देंगे। थोड़ी देर बाद पैन की कवर को खोलेंगे और सब्जी को एक बार चला के अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, मसाले जो है अच्छी तरह से भुन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पालक रखा था उसे ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पालक को ऐड कीजिएगा। पालक जो है थोड़ी देर में गलना स्टार्ट कर देगी, तो थोड़ी थोड़ी करके पालक ऐड करें और इसे चला के अच्छी तरह से सब्जी के साथ मिला लीजिएगा। तो अच्छी तरह से चला के सब्जी के साथ पालक को मिला लीजिए। सारे पालक को मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पैन को कवर कर देंगे और कवर करके साग को हमें गलने देना है। तो पालक की साग जल्दी ही गल जाती है, इससे पानी रिलीज होगा। तो 5-10 मिनट तक इसे पकने दे। देखिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे सारी साग जो है गल गई है और इसका क्वांटिटी देखिए बहुत ही कम हो गया है। अब हम सब्जी को अच्छी तरह से चला लेंगे। तो अच्छी तरह से चला के मिला लें। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो पानी निकली है वो अच्छी तरह से ना सूख जाए। तो अब पैन को फिर कवर कर देंगे और 10 मिनट तक इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। इससे क्या होगा, जो सब्जी कच्ची होगी वो भी पक जाएंगी। अब हम पैन की कवर को खोल के इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। तो देखिए, अभी भी थोड़ी मात्रा में पानी है। अब हम लगातार चलाते हुए सब्जी को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो लगातार चलाते हुए इसे पकाइए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, देखिए सब्जी जो है अच्छी तरह से पक गई है। देखने से ही आपको पता चलेगा कि सब्जी जो है पक गई है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को अब हम सर्व कर देंगे। तो देखिए, सर्व करने के लिए मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाला है। देखिए, देखने से कितनी यम्मी लग रही है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है। और आपने देखा इसे मैंने कितनी ईजी वे में बनाया है। तो अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो चलिए, आज बस यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।